बात होगी बोगनवेलिया के बारे में। ये बोगनवेलिया बोनसाई के पॉट में लगा हुआ है। इसको रिपॉट करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग का टाइम है इसका। ये दूसरा एक और बोगनवेलिया है जो गाजरी कलर में है। इसको ये 8 इंची पॉट है, इसमें से रिमूव कर कर इसकी रिपॉटिंग करेंगे इस जैसे एक गमले में। तीसरा ये एक छोटा पौधा है बोगनवेलिया का, इसको भी एक छोटे ट्रे के अंदर बोनसाई बनाएंगे। सबसे पहले बोनसाई का पॉटिंग मिक्स बना। देखिए, हमने अभी जो है अपने प्लांट्स को पॉट करने के लिए जो पॉट्स का सिलेक्शन किया है रिपोर्ट करने के लिए, तो एक तो ये छोटा लिया है हमने, जो हम छोटे प्लांट के लिए लेंगे। ये करीब 4 इंची या 5 इंची पॉट होगा। ये छोटे वाले को हम इसमें लगाएंगे ताकि इसके अंदर पहले रूट डेवलप हो सके। अभी इसमें आप देखेंगे ये सिर्फ 1 इंच के पैकेट में लगा हुआ है। ये सिर्फ 1 इंच पैकेट है इसका, इसकी चौड़ाई 1 से 2 इंच होगी। तो ये अभी इसकी रूट डेवलप नहीं है, बहुत कम आप देख पाएंगे कि बहुत ज़रा ज़रा सी रूट्स हैं। तो हम पहले इसका रूट स्टॉक डेवलप करेंगे, तो पहले इसके अंदर इसे डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। और जो पौधा पहले से डेवलप है, जिसकी अच्छे रूट्स हो चुके होंगे, जैसे अब मैं आपको दिखाया था इसके नीचे से ये रूट्स निकल रहे थे, ये मैंने एक्स्ट्रा थे इनको काट दिया है। ये अब इसको जो है हम इसमें रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने से पहले अभी बताया कि जैसे सबसे पहले हमें सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल मैंने, ये मेरा खुद का बनाया हुआ लीफ मोल्ड है पत्तियों का खाद, और इसको इसमें साथ में रेत भी मिली हुई है। मैं जिस जहाँ पर बना हुआ था वहाँ नीचे रेत पड़ी थी, इसमें रेत भी आ गई। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितना आपके मिट्टी है उतने ही आप कोको पेट लें, इतना ही लीफ मोल्ड लें, और इतना ही इसके अंदर जो है आप बर्मी कंपोस्ट या कोई भी आपके पास खाद हो वो ले सकते हैं। मेरे पास लीफ मोल्ड है, मैं लीफ मोल्ड का यूज़ कर सकता हूँ, आपके पास जो आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मिलाएंगे, फिर आगे की मैं प्रोसेस बताऊँगा। पहले हम इसमें सॉइल डाल रहे हैं। ये सॉइल है, सॉइल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो, रेड वाली सॉइल हो रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक सॉइल हो ब्लैक सॉइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने लीफ मोल्ड और जो हमारे साथ बजरी मिक्स थी हमारे लीफ मोल्ड के अंदर वो यूज़ किए, साथ में हमने हमेशा याद रखें जब भी बोनसाई के लिए कोई पॉटिंग मिक्स बनाए तो वो ऐसा हो कि जब उसे हम मुट्ठी बांधें गीले में भी तो वो बिखर जाए, वो बिल्कुल बंधे ना, क्योंकि बोनसाई प्लांट्स को बिल्कुल ड्रेनी सॉइल चाहिए होती है। तो ये मिश्रण बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि बिल्कुल ड्रेनी सॉइल हो, इसमें पानी डालें तो ज़्यादा ठहराव ना करे पौधे को, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना उससे ले लेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पानी एक्सेस जो होगा वो ड्रेन हो जाएगा। अब इसके बाद हम पहले इस पॉट के अंदर नीचे जो ये होल होता है आप देख रहे हैं, इस होल को कवर करेंगे। तो इस होल को किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, मोटी वाली रेत है तो रेत से कवर कर सकते हैं, या आपके पास कोई इसकी जाली है तो जाली से, आपके पास कोई मटके का फूटी हुई खीपड़ी होती है जिसे हम मटके का हिस्सा होता है वो आप लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़। मैं इस पर रेत यूज़ करूँगा, ये मैंने इसमें रेत यूज़ की, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि ये जो मिट्टी है ये नीचे होल में जाके जाम ना हो जाए, जिसकी वजह से पानी का जो ड्रेनेज है वो रुके ना। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ डालनी है, जैसे गिट्टी डाल सकते हैं, गिट्टी की चूरी आती है वो डाल सकते हैं। अब हम इस पॉट को निकालेंगे। हमेशा याद रखें कि जब भी आप ये ऐसे सिलेंडर शेप के आप पॉट यूज़ करेंगे तो इसमें रिपोर्टिंग करते टाइम गमले को निकालना बहुत आसान रहता है। मैं इसे थोड़ा सा पकड़ के खींचूँगा और ये सीधा का सीधा इसका रूट बॉल के साथ में ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा। और अगर इसकी जगह पे आप अगर मटके नुमा जो गमले को यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि इसकी जो साइड की किनारे हैं यहाँ पर आके फंस जाएगा, या तो आपको मटका तोड़ना पड़ेगा या फिर गमले को। अब इसमें इसका रूट स्टॉक बिल्कुल साफ निकल गया है, इसकी रूट को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। ध्यान से करना है, कोशिश करें कि हमेशा छाया के अंदर बैठ कर रिपोर्टिंग करें किसी भी प्लांट्स की,
क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इनकी जड़ों के लिए हार्मफुल होती है। हालांकि मैं अभी एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ मेरी नर्सरी के, और इसके अंदर ज़्यादा धूप नहीं आती, थोड़ी बहुत धूप है, मगर इससे तो मैं काम चल जाता है। मगर आप इसका ध्यान रखें, इसको हाथ से ही तोड़ लें, किसी हथियार से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत नरम है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो पहले जो इसमें रिपोर्टिंग करी थी, तो ये मैंने इसी का मैं कह रहा था कि ये आप लगा सकते हैं इससे। पॉट के नीचे लगा सकते हैं। देख सकते हैं इसकी पूरी वो निकालनी है रूट्स। अब आप इसका शेप देखें, इसका रूट्स का जो शेप है वो यहाँ से ये मुड़ा हुआ है, तो मैं इस नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल करूँगा और इस वाले हिस्से को ऊपर निकालूँगा। मुझे सिर्फ इसको इस प्लांट को इतना इसके अंदर पाना है। सबसे पहले थोड़ी सी सॉइल ये क्लियर कराया, इसमें चाहे तो आप किसी वायर का यूज़ कर सकते हैं इसे बांधने के लिए। मैं इसमें वायर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कुछ दिन सपोर्ट के साथ रखूँगा, बाद में ये अपनी खुद की रूट्स को डेवलप कर लेंगे। मेरे पास अभी कॉपर वायर, क्योंकि जब भी आप रूट्स के लिए कोई वायर यूज़ करेंगे तो हमेशा कॉपर वायर होना चाहिए जिसमें फंगस ना लगे। दूसरा एल्युमिनियम या लोहा स्टील वगैरह आप यूज़ करेंगे तो वो जो है इसमें फंगस लगा सकता है, इस वजह से इसमें सिर्फ कॉपर वायर यूज़ करें। अभी करंटली मेरे पास कॉपर वायर नहीं है तो मैं इसे नॉर्मली लगा रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो कटिंग और रिपोर्टिंग एक साथ नहीं करते। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने से पौधा जो है शॉक में चला जाता है, उससे पौधे के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ रिपोर्टिंग की जाए या फिर उसकी प्रूनिंग की जाए, दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल न की जाएँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पौधे के अंदर 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, किसी भी किस्म का पौधा हो कभी नहीं मरेगा वो। हम नर्सरी पे सिर्फ इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं और वही 5 चीज़ें हर पौधे की जो है लाइफ साइकिल। आपने उन 5 चीज़ों का ध्यान रखा, आपका पौधा कहीं का भी हो कैसा भी हो कभी नहीं मरेगा। देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल मैंने ये करेंटली इंस्टॉल किया है इसमें, इस वजह से इसकी थोड़ी सॉइल ऊपर तक चढ़ा रहा हूँ, और बाद में जैसे जैसे ये इसमें पानी डलेगा इसकी सॉइल बेबे के नीचे आ जाएगी और ये पूरा रूट स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ जाएगा। आपको मेरा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको मेरा फाइकस का एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसको भी मैंने इसी तरीके से बनाया था, ये मेरा फाइकस बहुत पुराना था। अब जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा फिर इसके बाद हम इसकी यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ये प्लांट है, इसको हम छोटे पॉट में रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारी बजरी है ये मोटी वाली, इसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी इसमें डालनी है मोटी मोटी, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, रेत, मोटी गिट्टी, बजरी, कुछ भी ऐसा आइटम डालें जो नीचे से उसको ड्रेनेज को उसको बरकरार। ये पौधे का हम देख सकते हैं ये रूट स्टॉक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी नहीं है, मगर फिर भी ये पौधा अच्छा हेल्दी हो रहा है, इस पौधे के हिसाब से सफिशेंट है। हम हमारी सॉइल मीडिया हमने तैयार किया था, इसे लगाएंगे और उस पौधे को बिल्कुल टॉप पर रखेंगे ताकि इसका रूट्स जो है नीचे तक जा सके। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम जब इसका रूट डेवलप हो जाएगा तो हम अगले उसके अंदर से शिफ्ट कर सकें, और जब तक ये देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट इसका जो तना है स्ट्रेट तना है और यहाँ से इसमें ब्रांचेज निकली हुई हैं, तो हम इन्हीं ब्रांचेज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी को जो है एक छोटे से मिनी मिनिएचर प्लांट में डेवलप करेंगे। आप मैं इसका अपडेट भी आपको देता रहूँगा दोनों प्लांट्स का।
कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई पॉलीथीन का प्लांट या गमले के अंदर से रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमेशा उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी को थोड़ी थोड़ी सॉइल को जो है ज़रा सा निकाल लें ताकि उसके रूट्स को आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो। अपने रूट्स को इस बिल्कुल ड्रेनी सॉइल के अंदर ग्रो करने में बहुत आसानी होगी, अपने आप को डेवलप कर लेंगे तो हमें इसका इस्तेमाल करना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक जगह इसकी हैंगिंग प्लांट लगा है बोगनविलिया के, खूबसूरत सी एक ये बिल्डिंग है। आपको किसी और प्लांट्स के रिलेटेड कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में उसमें मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें ताकि मुझे मालूम चल सके कि मेरा जो बनाई हुई वीडियो आपके काम की है या नहीं, उस हिसाब से मैं मेरे आगे की जर्नी चलेगी। मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो गया और ये बहुत सुंदर लगेगा। अभी इसकी सिर्फ शुरुआत है, जब इसका बोनसाई बनता है तो आप मैं आपको स्क्रीन पे अपने बोगनविलिया की पिक्चर दिखाता हूँ पुरानी, वो आप देखें उसके अंदर कितनी फ्लावरिंग हो रही है और छोटे से पॉट के अंदर, और वो इसी बोगनविलिया की पिक्चर है ये आज की कंडीशन देखें। इसका अभी इसकी रिपोर्टिंग की वजह से इसमें पानी बिल्कुल बंद कर रखा है, इसकी प्रेप कटिंग करनी है इसकी पूरी, यहाँ से पूरी होगी इसकी और उसके बाद फिर इसकी रिपोर्टिंग की। तो हम पहले जो है इसकी रिपोर्टिंग करने की प्लानिंग है क्योंकि आप देखें ये नीचे इसमें पूरे में ये रूट्स निकल रहे हैं, इसके सारे रूट्स इनको बाहर निकाल कर इसको रिपोर्ट करेंगे फिर आपको देखेंगे।